आप कहेंगे किसान विरोधी। खट्टर मोदी अब राजेंद्र ने बोले टिकट का एक देखिए अभी रघुवीर सिंह जी ने आपके सामने बहुत विस्तृत चर्चा की है। हाँ 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान तक पूरे देश में भारत बंद का, मैं उसमें किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सका। मैंने मास्टर जी को और दूसरे लोगों को बता भी दिया था, पर वो आपका बहुत सफल रहा। मैं उस पे सोशल मीडिया पर देखता भी रहा, कौन नारे लगा रहा है, कौन घूम रहा है, क्या भाषणबाजी हो रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही थी। पलवल का किसान भी पहली बार इतना जागरूक हुआ है, इतना पहले नहीं था। दूसरी बात, पंजाब के अंदर एक भाजपा विधायक के साथ कुछ लोगों ने जोश में आकर के उसके साथ कोई व्यवहार किया, आपने वो भी देखा होगा। और उस बात को लेकर के जब विधायक के साथ ये घटना घटी है, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री और दूसरे भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री हैं प्रांतों के, वो सब एक बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। एक विधायक के साथ छेड़छाड़ करने पर ही लोकतंत्र और संविधान को खतरा पैदा हो गया। लेकिन इस भाजपा के लोगों ने 300 किसान जब एक प्रकार से शहीद हो गए इस आंदोलन में, 4 महीने से अधिक लोगों को बैठे हुए हो गए, तो लोकतंत्र नजर नहीं आया कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र को सही मायने में लोकतंत्र की हत्यारी कोई सरकार है तो ये भाजपा सरकार है। आंदोलन पहले भी होते रहे, किसानों के हुए, मजदूरों के हुए, कर्मचारियों के हुए, पर ऐसे आंदोलन की उपेक्षा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी जो भाजपा सरकार कर रही। आज आपने आरोप लगाया कि बिरसला के विधायक नैन पल्लावत ने शराब पी कर डांस किया है, उसकी सोशल मीडिया में वीडियो भी दी। जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है उसमें शराब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये आपकी काल्पनिक सोच है या प्रमाण भी आपके पास? बिरला क्षेत्र के विधायक निर्दलीय और भाजपा को, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उनकी शारीरिक हरकतों से, चहलकदमी से बिल्कुल निश्चित हो रहा है कि उन्होंने शराब पी हुई है, और शराब पी करके वो इसको कर रहे हैं, नाच रहे हैं लोगों के बीच में। और ये सरकार को ऐसे विधायकों के ऊपर रोक भी लगानी चाहिए, और इतना क्षेत्रीय विधायक भी अगर शराब पी करके डांस करेंगे तो आम बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक वातावरण बिगड़ेगा। तो ऐसे लोगों की मैं निंदा भी करता हूँ, और ऐसे लोगों को शर्म भी आनी चाहिए जो शराब पी करके इस तरह का नाच करते हैं, डिस्को करते हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। स्वामी जी, हो आज का इतिहास नहीं है स्वामी जी, हो एक बिन इसको इसको प्रमाणित भी कीजिए, क्योंकि होली का अवसर है, होली के अवसर पर इस प्रकार से डांस वगैरह, नृत्य वगैरह सामूहिक तौर पर होते हैं, आपके इस पंडाल में भी हुए हैं, तो अगर विधायक नृत्य करता अपने समर्थकों की डिमांड पर बात भी करता है, जो अपनी खुशी को भी जाहिर करता है, लेकिन शराब कहाँ से आ गई उसमें, ये बताइए। हिंदू रीति रिवाज में या हिंदू ग्रंथों में ये नहीं लिखा है कि होली के दिन शराब पी करके डिस्को कर। नहीं, शराब उसमें कहाँ से दिखाई दिया किसानों ने या डिस्को? स्वामी जी, पहले शराब बताइए, उसमें शराब कहाँ से दिखाई दी आपको? शराब उसकी शारीरिक प्रक्रिया से, उसकी हरकतों से लग रहा है कि उसने शराब पी हुई है, और उस पर सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है लोगों ने, एक शराब पी करके डिस्को कर रहे हैं पिरथला क्षेत्र के विधायक, उसके सारी बातों से लग रहा है। उस वीडियो को आप बार बार देखो। नहीं, सोशल मीडिया में जिन्होंने शराब के बारे में लिखा है ना, तो जो उसमें काउंटर अटैक हुए उसमें ये बताया गया है, इसमें कहीं भी शराब दिखाई नहीं दे रही है। शराब दिखाई थोड़ी देती है, शराब पीने के बाद तो शारीरिक हरकतें दिखाई देती हैं। नहीं, शराब पीते हुए भी
जाम छलकाते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर वो जाम छलका रहे हो तो जब तो आपका आरोप प्रमाणित था। थोड़ी पी रहा है शराब, वो शराब तो नाचने से पहले पिया हुआ है, और नशेड़ी आदमी है पहले से ही पता है इसका। और इसने जब इसको टिकट नहीं मिला था तो भाजपा पे टिकट बेचने का आरोप लगाया था। लोग जीवन भर ये कहा था कि मैं भाजपा जैसी घटिया पार्टी से जीवन भर दूर रहूंगा, उसका कोई मेरा उसके नजदीक नहीं जाऊंगा। और आज वो सत्ता के लालच में पूरी तरह से उसी सरकार पार्टी को समर्थन भी दे रहा है। नहीं, आपके आपके आपको किसान आंदोलन को विधायक नैनपाल रावत ने समर्थन नहीं दिया, क्या इस वजह से आप आरोप लगा रहे हैं? इस बात से कोई मतलब नहीं है। ऐसे 100 नैनपाल भी अगर समर्थन नहीं दे तो भी किसान आंदोलन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। नैनपाल तो वो घटिया हरकत कर रहा है, किसान आंदोलन की आलोचना कर रहा है, सरकार की चाटुकारिता कर रहा है। उसके समर्थन देने से या उसके विरोध करने से कोई प्रभाव इस आंदोलन में पड़ने वाला नहीं है। वो खूब जोर लगाए, खूब उसका विरोध करे, लेकिन इस तरह की सामाजिक रीति रिवाज को तोड़ के सामाजिक फंक्शन के उस पर शराब पी करके कोई आदमी नाच करता है, डिस्को करता है, प्रदर्शन करता है, तो उसका ये आचरण निंदनीय है। अब भोर में जो घटना हुई है, नारंग के साथ विधायक के साथ जो घटना हुई है, उसको नंगा भी किया गया, आपने अपने अभी स्पीच भाषण में भी इसका जिक्र किया, निंदा आपने भी नहीं की उस घटना की। हमारे जो संयुक्त मोर्चे के नेता हैं उन्होंने उस घटना की निंदा की है, और साफ शब्दों में ये कहा है कि वो जो कैसा हरकत हुई है वो किसान आंदोलन का अंग नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, और ना वो करने वाले किसान आंदोलन के आदमी हैं। वो तो अपने किसी और कारणों से उसके साथ ये व्यवहार हुआ है, ऐसा व्यवहार तो नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। यानी कि जो उनके साथ घटना हुई है किसानों ने नहीं की है? नहीं, किसान ही तो थे वो वहाँ पर। किसान तो हो सकते हैं, लेकिन किसान वो आंदोलन के आदमी नहीं है। किसान तो पूरे देश में 86% लोग किसान हैं, तो उसमें कोई ना किसान आंदोलन की कोई योजना थी, ना उसका ऐसा व्यवहार करने का कोई प्रोग्राम था। पर सरकार को भी अहंकार त्याग करके लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किसानों की बात सुननी चाहिए।